हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो वहीं महाराष्ट्र में पुलिस अफसरों के तबादले और पोस्टिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है और इसके बदले में मोटी रकम ली जाती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। गृह सचिव अजय भल्ला से मिलकर फडणवीस ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी, 100 करोड़ का वसूली कांड, अब महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला सामने आया है। मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री है जिसके बदले में मोटी रकम वसूली जाती है। हर कुर्सी का रेट फिक्स है। हम आपको इस खुलासे का एक एक सच बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि मुंबई में इस विस्फोटक खुलासे के बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की और ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत उन्हें सौंपे। फडणवीस ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। चौंकाने वाली बात यह है कि सीआईडी जांच की सिफारिश के बाद भी उद्धव सरकार ने अब तक इसकी सीआईडी जांच तक नहीं कराई। डीजीपी, इन्होंने स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशन दिया था कि सीआईडी से इसकी जांच की जानी चाहिए। वो सीआईडी से जांच भी क्यों रोकी गई, ये सवाल इसमें उठता है। किसको बचाना सरकार चाहती थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार नहीं बचा रही थी, किसको एक्सपोज होने से सरकार बचा रही थी, ये सवाल इसमें तैयार होते हैं। उद्धव सरकार पर फडणवीस गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उद्धव के खासम खास संजय राउत इन आरोपों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल न्यायालय में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचे, हेग में जाइए, जहां जाना है वहां जाइए कागज लेकर, उसमें कुछ नहीं है, या ऐसे ही कागज दिखाते हैं, फड़फड़ाते हैं बस। ये दो चार हमारे सरकार में दो चार अफसर है जो बीजेपी के पेरोल पे है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, करने तो ना। सीबीआई तो उनके घर का खिलौना है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स खेलते रहते। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस अफसरों को मनचाही पोस्टिंग दिलाने का बकायदा ठेका लिया जाता था और इसके लिए अलग अलग दलाल फिक्स थे। कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग इनके नाम, चर्चाएं, ये इसमें से बाहर आने लगे। फडणवीस ने जो आरोप लगाए हैं उसका एक एक सबूत उन्होंने कैमरे पर दिखाया, जिसके अंदर चौंकाने वाले कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की हेड रश्मि शुक्ला ने ये जानकारी 6 महीने पहले ही दे दी थी। सबूतों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने इस पर एक्शन लेने की बजाय रैकेट का पर्दाफाश करने वाले को ही सजा दे दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने रश्मि शुक्ला का प्रमोशन रोककर उन्हें साइडलाइन कर दिया। फडणवीस के आरोपों से तिल मिलाए उद्धव सरकार के दो दो मंत्री सामने आए, अनिल देशमुख का बचाव किया, साथ ही आईपीएस रश्मि शुक्ला को बीजेपी का एजेंट भी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कोई सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे कमिश्नर जी हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सरकार को बदनाम करना, डी स्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करना,
ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बीजेपी के सामने आ गई। गैर कानूनी तरीके से कोई भी टैप फोन होता है वो गुनाह है, इसीलिए साइड पोस्टिंग दी गई। और जब साइड पोस्टिंग दी गई तो दिल्ली बुलाया गया। रश्मि शुक्ला हैबिचुअल नेताओं के भी फोन टैप करती थी, ये सच्चाई। गलत आरोप हो रहा है और बात तो ऐसी है कि फोन टैपिंग की है, दिस इज मोस्ट सीरियस। फोन टैपिंग करने का अधिकार किसने दिया, किसने उसको मान्यता दी थी, क्या उस फोन टैपिंग के जरिए जिन लोगों का फोन टैपिंग किया उसके बारे में परमिशन ली थी क्या, फोन टैपिंग कब करते हैं सबको मालूम है। ये बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे गुने अगर जिन्होंने कमिट किए हैं तो उनके ऊपर जांच लगनी चाहिए, किस लिए कैसे प्राइवेट लोगों के फोन टैप आप कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार हिल गई है। आरोपों के घेरे में आए देशमुख कल पहली बार उद्धव ठाकरे से मिले। पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी, पता लगाएगी कि सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स देवेंद्र फडणवीस के पास कैसे पहुंचे, पुलिस के किन अधिकारियों ने फडणवीस को जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी बेहद आक्रामक है और अपने अंदाज में वो तंज कस रही है। खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में मंगल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। तो मैंने कहा था कि ये महा लूटा गाड़ी है, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली गाड़ी भी है। साफ है कि महाराष्ट्र में हर नए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। एंटीलिया केस से शुरू हुई खुलासों की ये सीरीज कहां जाकर खत्म होगी कहना मुश्किल है। दिल्ली से संजय शाह के साथ सचिन चौधरी, दिनेश मौर्य और राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।